तो देखो, एक क्वेश्चन में इस तरीके से एक डायग्राम शो कर रखा है जहाँ पे एफ फोर्स किसी एंगल पर लगाया है, थीटा एंगल पे। तो आपको बताना क्या है, फाइंड नॉर्मल फोर्स बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक एंड ऑल्सो एक्सेलेशन ऑफ ब्लॉक। तो सबसे पहले एफ बी डी बनाते हैं। तो यहाँ पे एफ फोर्स ये रहा, ये वाला एंगल है थीटा। तो यहाँ पे एफ को तो मैं तुरंत ही कॉम्पोनेंट कर दूंगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसके एफ बी डी को मैं फिर से प्लॉट करता हूँ। ये है एम मास का ब्लॉक, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, इस डायरेक्शन में फोर्स नॉर्मल लगेगा और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एम जी। तो ये सारे फोर्सेस मैंने प्लॉट कर लिए। आप खुद सोच के देखो लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा यही होगा लाइन ऑफ मोशन। तो ये है अपना लाइन ऑफ मोशन, और जो ब्लॉक का मूवमेंट हो सकता है वो इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो दो डायरेक्शन हमें चाहिए, एक तो लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। तो बिल्कुल सारे फोर्सेस उसी लाइंस पे हैं। तो अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन तो मैं क्या लगा दूंगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, और परपेंडिकुलर जो फोर्सेस होंगे उनका टोटल सम जीरो कर दूंगा। तो ऊपर तो लग रहा है एन प्लस एफ साइन थीटा, अगर टोटल सम जीरो होगा तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एम जी के बराबर होगा। तो यहाँ से मेरे पास एक चीज़ तो यहाँ से आ गई, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, जो मेरे से क्वेश्चन में पूछा था। तो नॉर्मल का तो आंसर ये हो गया, और दूसरे वाले पार्ट में एक्सेलेशन पूछा, तो यहाँ से एक्सेलेशन में निकाल लूँगा, इट विल बी इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा अपॉन एम। तो अगर किसी एंगल पे फोर्स लगाया जाए तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।